वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अपूर्वा। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और कल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में, टॉपिक के बारे में, इनफैक्ट टाइगर्स आई। इसकी मुझे बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं एंड मैं क्रिस्टल्स के बारे में इन शॉर्ट बात करूं, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से क्रिस्टल्स के साथ काम करती आ रही हूं। एंड जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मैंने एक अपना काइंड ऑफ मिनी हॉल क्रिस्टल्स का शेयर भी किया था। उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आ रखे थे कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं। मैंने मून स्टोन के बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, मैंने मून स्टोन के बारे में, रोज क्वार्ट्ज के बारे में बात की हुई है, बट मैंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं करी क्रिस्टल्स के बारे में। तो अब मैं धीरे धीरे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लेती जाऊंगी एंड जो भी क्रिस्टल के बारे में आप लोग जानना चाहते हो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइगर्स आई एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत प्यारी सी शाइन होती है, सी। जब हम टाइगर के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? स्पीड, बोल्डनेस, चालाकी, ऑब्जर्वर, है ना, एमफुल, फोकस्ड, फायरी एनर्जी, स्टबर्न, एग्रेसिव, स्ट्रैटेजिक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शार्प माइंड, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं जब हम टाइगर के बारे में सोचते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वैरायटीज की। पहली चीज़ तो ये जो टाइगर्स आए हैं, ये वाला बहुत पॉपुलर है, ये वाला बहुत फेमस है, काफ़ी लोग इसको डेफिनेटली जानते होंगे। बट ये सिर्फ इतना नहीं है, देर इज़ अ ग्रीन टाइगर आए, देर इज़ अ ब्लू टाइगर आए, ग्रे टाइगर आए, तो ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं टाइगर आए में, ठीक है, ये लिमिटेड नहीं है, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं टाइगर आई की भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की जो इससे कनेक्टेड है, वो है मार्स एंड सन। दोनों फायरी एनर्जी है, राइट, बोल्ड, ब्लंट, अग्रेसिव, तो हाँ ये हमारा टाइगर आई है। चक्रास जो कनेक्टेड है वो है रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड ये किस किस कंट्री में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कोरिया, स्पेन, इंडिया, कनाडा, ब्राजील, चाइना। एंड बेसिकली क्वार्ट्ज फैमिली से बिलोंग करता है। काफी लोग इसको गुड लक स्टोन बोलते हैं, काफी लोग इसको स्टोन ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। एंड काफी लोग मानते हैं कि जब वो इसे वेयर करते हैं तो वो बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी बन जाते हैं। एंड एंशियंट टाइम में जो रोमन सैनिक हुआ करते थे, जब वो वॉर पे जाते थे, वो हमेशा इसको अपने साथ कैरी करते थे। उनका ये मानना था कि ये उनको टाइगर जैसी एबिलिटी देता है, जिससे वो टाइगर की तरह सामने वाले से फाइट कर पाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, करेज, ठीक है। तो ये टाइगर आई जो है ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसे कौन कौन वेयर कर सकता है, ठीक है। ये जो टाइगर आई है बेसिकली सेमी प्रीशियस स्टोन है, इस टाइप के ब्रेसलेट के फॉर्म में या फिर पेंडेंट के फॉर्म में इसे कोई भी पहन सकता है, पहली चीज। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कौन कौन इसे पहन सकता है, ठीक है। अगर आप उनमें से हैं जो अपनी बात को अगले पर्सन तक सामने नहीं रख पाते हैं, या फिर आप बहुत डरते हैं, आपके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज हैं, बहुत आपको घबराहट होती है, आप अपनी बात को अगले पर्सन तक नहीं बता पाते हैं, इन दैट केस एज वेल आप इसको वेयर कर सकते हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप उनमें से हैं जो अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अपने लिए खड़ा नहीं हो पाते हैं, इन दैट केस एज वेल आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये आपकी अट्रैक्शन पावर्स को भी इंक्रीज करता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बट उनमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। क्यों? उनका ऑरा भी मैटर करता है। क्वालिफिकेशंस एंड रेज्यूमे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आप खुद को कैरी कैसे करते हो, आपकी पावर्स कैसी हैं, आपका ऑरा कैसा है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। इन दैट केस एज वेल आप इसे वेयर कर सकते हो, बेसिकली आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करेगा, आपके ऑरा को अट्रैक्टिव बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपको नज़र इशूज़ हैं, ईवल आई इशूज़ हैं, आपको बहुत जल्दी टोक लगती है, नज़र लगती है, इन दैट केस एज वेल आप इसे पहन सकते हो। ये नज़र के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, प्रोटेक्शन का ये काम करता है बहुत अच्छे से, ये आपको नज़र से बचाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिंस इट इज़ कनेक्टेड टू रूट चक्रा, अगर आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस है, यकीन माने आप बहुत सुसाइडल हो जाओगे। नेगेटिव थॉट्स हद आते हैं माइंड में, पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती, अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी, डर लगना बार बार, छोटी छोटी चीज़ों पर डर जाना एंड सुसाइडल होना, अपनी लाइफ से प्यार ना होना,
खुद से प्यार ना होना, ये भी इस चीज़ में इंक्लूडेड है। तो ये आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। एंड जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है तो इजीली आप फाइनेंसेस को भी मैनिफेस्ट करते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो, इन दैट केस एज वेल आप टाइगर आई की हेल्प ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप बहुत लेजी हो, सिर्फ प्लान ही प्लान करते हो, एक्चुअली में काम नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को, तो ये आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा। तो ये आपको मोटिवेट करेगा अपने गोल पे एक्शन लेने में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। माइंड में प्लानिंग चलती रहती है, सोचते रहते हैं यहाँ करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ सोच रखा है, बट एक्शंस लेने की हिम्मत नहीं है, है ना। एक्शंस नहीं ले तो लेजीनेस का इशू है, कुछ भी है, यू डोंट फील लाइक टेकिंग एक्शन। दिस विल मेक यू वर्क फॉर योर गोल्स। सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, उस पर एक्शंस भी लेने हैं, तो इन दैट केस एज वेल यू कैन वेयर दिस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे कि मैंने कहा है कि ये कनेक्टेड है रूट चक्रा से, अगेन राइट, रूट चक्रा हमारा मनी स्टेबिलिटी भी दिखाता है। अगर आपका मनी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, मनी इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, आपका रूट चक्रा आप ध्यान से देखिए। रूट चक्रा का अर्थ एलिमेंट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अर्थली नीड्स जो है, स्पेशली मनी, हमारी पैसा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है। भले आप बोलो लव जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, बट फाइनेंसेस भी बहुत जरूरी हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो आप हेल्थ का ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते हो, राइट। तो फाइनेंसेस जो है वो एक बेसिक नीड है इंसान की सर्वाइवल के लिए। रोटी जो खाते हो, खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, कहाँ से आते हैं? पैसे से आते हैं ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, इन दैट केस एज वेल आप ये वेयर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, कोई भी काम आसानी से बनता ही नहीं है, उसमें बहुत सारे अड़चने आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसके बाद काम होता है, इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस टाइगर आई। बेसिकली क्या होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करता है, स्पीडिंग अप थिंग्स। काम जल्दी होते हैं, ऑब्स्टिकल्स हटते हैं सामने से। अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो जल्दी, आप सिंपली अपनी विश को इसके साथ इन्फ्यूज कर सकते हो, तो आपका जो काम है वो बहुत जल्दी होगा। आप टाइगर आई के साथ मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो, ये बेसिकली आपके काम को स्पीड अप करता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप लोग उनमें से हो जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, विल पावर नहीं है, लगता है कि पता नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर, इन दैट केस एज वेल आप टाइगर आई फेयर कर सकते हो। There are so many students जो कि मतलब बहुत confused रहते हैं अपने करियर को लेके, स्पेशली जॉब करनी है, सब कुछ करना है, बट एक वो करेज नहीं आ पाती अंदर से, स्पेशली स्टूडेंट्स के केस में। देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई टाइगर्स आई, ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एनीथिंग, स्पेशली एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सिंस इट्स कनेक्टेड टू सन, इन दैट केस एज वेल यू कैन वेयर टाइगर आई, ठीक है। सिंस मैंने मेंशन किया है गवर्नमेंट, अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो, इन दैट केस एज वेल ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ग्रोथ में, आपके करियर के ग्रोथ में। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इन दैट केस आपको डेफिनेटली से ट्राई करना चाहिए, ये बहुत अमेजिंग क्रिस्टल है। अगर आपका जो करियर है वो ऐसा है पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, या फिर आपको लीडरशिप क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस एज वेल आप इसको वेयर कर सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, इसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिविटी आपको लगती है अपने माइंड में, बहुत नेगेटिव थॉट्स या फिर बहुत फियर्स आपके अंदर हैं, इन दैट केस एज वेल आप इसे वेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पेशली आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कमजोर है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं स्पेसिफिकली, उसमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जरूरी है, इन दैट केस एज वेल आप इसे व्यूअर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, करियर के लिए, फाइनेंसिस के लिए ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, ये आपको टाइगर की दृष्टि देता है, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज कह लो, अपनी बात को बिना डरे सामने रखने वाली बात कह लो, ये आपको वो सब चीजें देगा। अगर आप बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, अपने माइंड में ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, एक्शंस नहीं लेते हो, ये आपको ग्राउंडेड रखेगा पहली चीज तो, रियलिटी में रखेगा, एंड बेसिकली आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनाएगा। सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर एक्शन भी लेने हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आधे लोग तो सिर्फ सोचने में ही रह जाते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा ही नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनाएगा। अगर बात करें हीलिंग प्रॉपर्टीज की, आपका स्टैमिना इंक्रीज करेगा, क्रॉनिक पेन है या फिर स्पाइन रिलेटेड कोई इशू है, हेल्थ इश्यूज है, इन दैट केस एज वेल ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। डाइजेशन इश्यूज पे भी काम करता है, सिंस इट्स रिलेटेड टू रूट चक्रा। बोन इश्यूज है, यानी कि हड्डियों के इश्यूज है, या पेशेंस, यानी कि जल्दबाजी करना, पेशेंस ना होना, इन दैट केस एज वेल आप इसे वेयर कर सकते हो।
मॉनेटरी गेन्स के लिए बहुत अमेजिंग है. अगर आप यू नो गोल ओरिएंटेड नहीं हो तो आपको गोल की तरफ ही लगा के रखेगा. अगर आपका गोल कोई एग्जाम है, कोई जॉब है, आप बहुत जल्दी हट जाते हो वहां से, आपका माइंड वहां से हट जाता है, तो ये आपको अपने गोल से लगा कर रखेगा. ये बहुत जरूरी है इनफैक्ट कोई भी गोल को अचीव करने के लिए. अगर आप बहुत शाई पर्सन हो, इंट्रोवर्ट, अपनी बात को रखना चाहते हो बट रख नहीं पाते हो, इन दैट केस एज वेल आप टाइगर आई को पेयर कर सकते हो. ये लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है और क्रिएटिविटी भी लेके आता है. अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको जानने जरूरी है. अब जैसे कि मैंने कहा, ये हीलिंग स्टोन भी है, काफी लोग इसको डिटॉक्स के लिए भी यूज करते हैं. माइंड बॉडी सोल को डिटॉक्स करने के लिए भी काफी लोग इसको यूज करते हैं. अगर आपने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सुना होगा, वो जब हीलिंग करना स्टार्ट करती है तो काफी ऐसे केसेस आते हैं कि काफी लोगों को गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज होते हैं, राइट, एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, एग्रेसिव काफी लोग जाते हैं, काफी लोगों के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं. बेसिकली क्या है, डिटॉक्स हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है, जो भी अंदर क्लटर है वो निकलता है. तो एज इन हीलिंग पहले वो निकलेगा, उसके बाद धीरे 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 चीजें बैलेंस होंगी. तो ये भी कुछ उस तरीके से ही काम कर सकता है, नॉट विद एवरीवन ऑब्वियसली, बट काफी केसेस में ये हो सकता है कि पहले आपको बहुत बुरे मूड स्विंग्स दे, एंगर इश्यूज दे दे, फ्रस्ट्रेशन दे दे, पहन के बिल्कुल भी अच्छा ना लगे कुछ कुछ केसेस में. तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. अगर आप ऑलरेडी एक फायर साइन हो, जैसे आई एम पाइसेस, आई एम अ वाटर साइन, जब मैंने इसको पहना था तो आई वॉज ओके, आई वॉज बैलेंस्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर आप ऑलरेडी फायर साइन हो, या फिर आप यू नो बहुत ब्लंट एनर्जी हो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही, बहुत बोलने वाले पर्सन हो आप, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करो कि आप और बोल्ड बन जाओ. एंड स्पेसिफिकली जो फायर साइंस हैं उनमें ये हो सकता है कि उनको एंगर इश्यूज थोड़े बहुत स्टार्टिंग में हो जाए. अगर आपको इसे वेयर करने के बाद एंगर इश्यूज हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो फायर साइन हो, अदरवाइज आप डिटॉक्स हो रहे हो. तो ये कुछ टाइम ले सकता है, उसके बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसको क्लेंस कैसे करना है. आप इसको सिंपली कुछ देर के लिए सनलाइट में रख सकते हैं, तब भी क्लेंस हो जाएगा. आप इसे फुल मून या न्यू मून के दिन भी बाहर रख सकते हैं, मून की रोशनी में, ये तब भी क्लेंस हो जाएगा. नेक्स्ट आप इसको सॉल्ट वाटर में भी चार्ज कर सकते हैं. आपने क्या करना है, पिंक हिमालयन सॉल्ट आप लें, या फिर सेंधा नमक आप यूज कर सकते हैं. आपने क्या करना है, पानी लेना है, सेंधा नमक ऐड करना है, और उसमें आपने इस ब्रेसलेट या स्टंबल को डाल देना है. अगर आप टंबल स्टोन यूज करना चाहते हैं, आप उसे तब भी यूज कर सकते हैं. आप उसको उसमें डाल दीजिए, 12 घंटे तक रहने दीजिए, उसके बाद उसको वेयर कर लीजिए. आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 घंटे तक आप इसको रखे रहने दीजिए, ये क्लेंस हो जाएगा, इसकी नेगेटिव एनर्जी क्लेंस हो जाएगी. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, काउडंग आता है, उसके ऊपर आपने कपूर रखना है, उसको जलाना है. अब जो उसका धुआं निकलेगा काउडंग का, आपने उसमें से घुमाना है, ये तब भी क्लेंस एंड चार्ज हो जाएगा. आप ये भी कर सकते हैं. आपने सिंपली क्या करना है, जो आपका टैप वाटर है, जो किचन का टैप वाटर है, आपने उस पानी के नीचे इसको, रनिंग वाटर के नीचे इसको रखना है, एंड विजुलाइज करना है कि जो भी इसकी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है एज अ ब्लैक स्मोक, एंड वो सिंक में से रिलीज हो रही है. आप सिंपली इसको रनिंग वाटर के अंडर रख के विजुलाइज करें, इसमें से नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है, क्लेंस हो रही है. आप ये भी कर सकते हैं. नेक्स्ट एक और चीज आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यू नो नेगेटिव एनर्जी क्लेंजिंग के बोल, सिंगिंग बोल्स हैं यूट्यूब पे, साउंड्स हैं, आप इसे उसके पास रख दीजिए, ये तब भी क्लेंस हो जाएगा. नेक्स्ट आप एक और मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ. आप सिंपली विजुलाइज करें कि एक व्हाइट लाइट एनर्जी है जो यूनिवर्स से आ रही है, आपके क्राउन चक्रा से होती हुई, थर्ड आई से होती हुई, थ्रॉट से होती हुई, आपके हाथों से होती हुई, पाम से निकल रही है, एंड इसमें व्हाइट लाइट फिल हो रही है. जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है, व्हाइट लाइट फिल हो रही है. आपने ऐसा विजुलाइज करना है, तब भी क्लेंस हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं इसमें इंटेंशन कैसे ऐड करनी है. इंटेंशन ऐड करनी बहुत जरूरी है, एंड क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम क्लेंस एंड चार्ज करना भी जरूरी है. मैं अपने क्रिस्टल्स को ऑलमोस्ट अप टू करंटली राइट नाउ हर हफ्ते क्लेंस एंड चार्ज करती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एनर्जी को पिक करते हैं. अब आपको जो क्रिस्टल है वो क्लेंस हो चुका है, नेगेटिव एनर्जी उसमें से निकल चुकी है. आपने इसको अपने दोनों पाम्स में रखना है, एंड जो भी आपकी विश है, सब आप सपोज करें आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, आपने इसको अपने पाम में रखना है, अपनी एफर्मेशन बोलनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. अपने क्रिस्टल पे फोकस, अपने क्रिस्टल पे अपने माइंड को कम्प्लीटली फोकस रखना है क्रिस्टल पे, एंड फोकस रखते रखते जो भी आपकी विश है, एफर्मेशन है कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स, उसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप रिसाइट करते रहें एज अ चैंटिंग. आप इसको बोलते रहें. आपने ये चीज करनी है. ठीक है, चैंटिंग के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो भी आपकी विश हो उसे विजुलाइज करो. सपोज आप कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आप विजुलाइज करो अपने माइंड में कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे हो. आप इसमें करियर, जॉब, फाइनेंसेस, किसी भी टाइप की जो विश आप इसमें डाल सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल है. ऐसा करने के बाद सिंपली आपने इसको वेयर कर लेना है, एंड दैट इज इट. वेयर करने के बाद 15 डेज बाद आपने फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है. एंड एक और लास्ट मेथड मैं शेयर करना चाहती हूँ. ये सेलेनाइट की प्लेट होती है, इफ यू कैन सी, ये मेरे पास है, जो मेरी है.
इस पे श्री यंत्र बना हुआ है. श्री यंत्र इज फॉर मनी, मनी मैनिफेस्टेशन, ठीक है. एंड सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है, बहुत सॉफ्ट क्रिस्टल है पहली चीज तो. एंड ये क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे किसी भी क्लेंजिंग की चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमेशा क्लेंज एंड चार्ज रहता है. मैं मोस्टली इस प्लेट को अपने मनी क्रिस्टल्स के लिए चार्ज करने के लिए यूज करती हूँ. अगर आप यू नो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं कर सकते, आपने सिंपली क्या करना है, 12 घंटे के लिए ये सेलेनाइट की प्लेट लेनी है. एंड सपोज करो कि मैं इसे मनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करना चाहती हूँ, ठीक है. मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं इसको इस पैसे रख दूंगी 12 घंटे के लिए. एंड दैट इज इट, ये क्लेंस भी होगा, ये चार्ज भी हो जाएगा एंड इसमें श्री यंत्रा की एनर्जी भी इन्फ्यूज हो जाएगी एंड मैं इसे पहन सकती हूँ. ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है मनी ब्रेसलेट्स को या फिर कुछ भी मनी स्पेल्स को चार्ज करने का, एनर्जाइज करने का. एंड मैं जब भी मनी नॉट्स बनाती हूँ, मैं अपनी मनी नॉट को एंड में इस पे रख देती हूँ, तो जो श्री अंतरा की जो एनर्जीज हैं वो उस मनी नॉट में इन्फ्यूज हो जाती हैं. तो डेफिनेटली आप इस प्लेट के साथ काम कर सकते हो इफ यू वांट टू, अदरवाइज सिंपली आपको बताइए इसे कैसे आपने क्लेंज एंड चार्ज करना है. तो क्रिस्टल्स डेफिनेटली डू वर्क, ये आपको एक रास्ता दिखाते हैं. एक्शंस देखो आपने लेने होंगे, ऑब्वियसली बात है क्रिस्टल्स खुद से काम नहीं करते हैं, तो एक्शंस आपने डेफिनेटली लेने होंगे. जब भी आप क्रिस्टल पहनते हो, कुछ भी आप चीज करते हो ऑकल्ट में, एनी सिंगल थिंग, अपने माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए. नेगेटिविटी के साथ कुछ करोगे तो नथिंग विल वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी. आप कहीं से कोई भी कितना भी एक्सपेंसिव चीज बाय कर लो, अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऑरा है, देन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो कुछ भी चीज है, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, पॉजिटिविटी इज द की, कॉन्फिडेंस, उस चीज पर ट्रस्ट बहुत जरूरी है. सो अब आई होप आपने आज कुछ नया यहाँ से सीखा होगा. आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, ये टॉपिक हेल्प करे आपको आपकी लाइफ में. आई होप आप इसको ट्राई करेंगे. ट्रस्ट मी, टाइगर आई इज लव एंड इट्स अमेजिंग. बट अगर आपको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत एग्रेसिव अगर आप हो, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो पहनना, ठीक है. अगर आप क्रिस्टल्स को बाय करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. इनके पास ऑलमोस्ट हर टाइप की वैरायटी है क्रिस्टल्स की, तो आप चाहो तो इनसे भी ले सकते हो. तो बेसिकली इनके साथ द अर्थ मैजिक 101 का एक अनपेड कोलैबोरेशन चल रहा है. इफ यू वॉन्ट आप इनसे भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे कहीं से भी बाय कर सकते हो. मेक श्योर जहां से भी आप खरीदो बस वो चीज जेन्यून हो, दैट इज इट. ये चीज मैटर करती है, ठीक है. सो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.